हाँ जी हेलो नमस्ते एंड वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीबॉडी. ऑल सेट फॉर माय सोलो इंटरनेशनल ट्रिप एंड आई एम सुपर डुपर डुपर एक्साइटेड फॉर इट. थोड़ी सी नर्वस भी हूँ. शक्ल पे ऐसे नहीं दिख रहा है बट हाँ थोड़ी सी नर्वस हूँ मैं. डेट जो है वो है 12 जून और 2022 संडे का दिन है. कल सुबह मतलब मंडे सुबह सुबह 3 बजे की फ्लाइट है, 3:15 बजे की फ्लाइट है. पर मैं एयरपोर्ट अभी जल्दी जाऊंगी क्योंकि सुनने में आया है कि एयरपोर्ट में इमिग्रेशन में बहुत लंबी लंबी लाइन लग रही है, 2-3 घंटे लग जाते हैं. तो मैंने सोचा रात को लेट ट्रैवल करने से बेटर है कि मैं थोड़ा सा जल्दी निकल जाऊँ. तो या पराठे वराठे खाते हैं एकदम देसी खाना क्योंकि इसके बाद नसीब नहीं होगा अगले 15 दिनों के लिए. पराठे जो कि हम पराठे खाएंगे पराठे दही के साथ फटाफट से खाते हैं और उसके बाद निकलेंगे हम. You should have told me this. Enjoy your solo trip. दुआओं में याद रखना. Hope 100K soon and party. चल बाय. Don't uplift it. Oh my god. Hopefully मैं कुछ भूल नहीं रही हूँ. I mean निकलते निकलते एक फोन मेरा रह गया था, तारिका ने याद दिलाया. अभी hopefully भगवान जी मैं कुछ भूल नहीं रही हूँ. हर हर महादेव. चलिए जर्नी शुरू करते हैं. एवरीबॉडी तो हम एयरपोर्ट आ गए हैं. आज मैं आपको थाई एयरवेज का रिव्यू करने वाली हूँ, मतलब बताने वाली हूँ क्योंकि फर्स्ट टाइम आई एम ट्रैवलिंग इन थाई एयरवेज. तो इस वीडियो में आपको पूरा एक्सपीरियंस बताएंगे. अभी मैं जस्ट अंदर जा रही हूँ टू ड्रॉप माई लगेज. लेट्स गो बैंकॉक. 3 सो गाइज पचका हो गया अपना यहाँ पे थोड़ा सा. नॉट लेटिंग मी चेक इन. ये कह रहे हैं कि हम 11:30 बजे से 4 घंटे पहले हम आपको चेक इन करा सकते हैं. मैं थोड़ा जल्दी आ गई हूँ. अभी 10:30 हो रहे हैं, 1 घंटा आपको वेट करना पड़ेगा. सी क्या कर सकते हैं. बस देखा एंड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट देखा, सबकी सॉफ्ट कॉपी मैंने दिखा दी, रिटर्न टिकट चेक करी और फिर साथ में ट्रैवल इंश्योरेंस होता है वो चेक किया. अभी हम जा रहे हैं इमिग्रेशन की तरफ और बहुत लंबी लाइन है. बट यस विल गो. देखते हैं यार, बहुत पक चुकी हूँ मैं सच में 1 घंटे में. सिक्योरिटी चेक, इमिग्रेशन सब कुछ डन. आई एम नाउ गोइंग टू द लाउंज. या क्योंकि अपने पास है अभी 2 से 2.5 घंटे है तो आराम से बैठ सकते हैं लाउंज में. एंड मेरे पास प्रायोरिटी पास है जिससे कि मैं कोई भी लाउंज एक्सेस कर सकती हूँ, कोई भी लाउंज एनी वेयर इन द वर्ल्ड. तो या उसके बारे में बाद में कभी बताऊँगी आराम से. पहले लाउंज में चल के थोड़ा सा सेटल डाउन हो जाता है. फाइनली आई एम गोइंग टूवर्ड्स द गेट्स क्योंकि 2:40 पे बोर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी. सो मुझे लगा कि चलो चलते हैं. या थोड़ा सा खा लिया यार, लेट हो गया था, खाने का कुछ मन नहीं करता. लाउंज में फ्री में होती है, ड्रिंक्स होती है और फूड होता है विच यू कैन हैव. बट ऐसा मन नहीं कर रहा था. नीचे पूरा ऐसा शॉपिंग मॉल जैसा लगता है, इंटरनेशनल टर्मिनल, बट कुछ देखने का मन नहीं कर रहा है क्योंकि रात इतनी लेट हो चुका है. ऐसे बिल्कुल कुछ मन नहीं करता है इस टाइम पे. ऐसे बस ऐसा लग रहा है सोने को मिल जाए मुझे, बस सोने को मिल जाए. जैसे ही बोर्ड करूँगी ना फ्लाइट में सो जाऊँगी सीरियसली. ओके
एवरीबॉडी, सो एनर्जी थोड़ी सी लो है, उसके लिए पहले से माफ़ी चाहती हूँ मैं, क्योंकि रात के 2:30 बज रहे हैं और एनर्जी ऑब्वियसली लो हो जाएगी, क्योंकि सुबह से मैं उठी हुई थी और उठ के उसके बाद कितना सारा काम किया घर का, पैकिंग वैकिंग जो थोड़ी बहुत बची थी वो करी, और अभी रात के 2:30 बज रहे हैं यार। मतलब इमेजिन, मैं 11:30 बजे सोने वाली लड़की हूँ, तो मेरे लिए तो इट इज़ चैलेंज अभी, पर घूमने की एक्साइटमेंट भी है, तो अपने को सब करना है, तो अपन सब करेंगे। अपन गेट की तरफ जा रहे हैं और इसमें भी हम चल रहे हैं, क्योंकि ये बहुत धीरे चलता है, पर क्या कर सकते हैं, यस गेट। सो गई थी पूरी फ्लाइट में, मैं सो गई हूँ और हम लैंड कर गए हैं बैंकॉक में। वेलकम टू थाईलैंड एवरीबॉडी। चलते हैं, यहाँ पे कितने अच्छे से इन लोगों ने एक एक ट्रॉली, अब देखते हैं यहाँ पे सिम का रेट पता करते हैं कितने का सिम मिल रहा है, क्योंकि मेरा फ़ोन यहाँ का पता नहीं, वाईफाई मेरे फ़ोन पे कनेक्ट ही नहीं हो रहा है, तो लेट्स सी सिम के क्या चार्जेस हैं, सिम लेते हैं उसके बाद फिर निकलते हैं बाहर। एवरीबॉडी, मैं एयरपोर्ट से बाहर आ गई हूँ। ओह माय गॉड, मैंने सिम भी ले लिया है। अब टैक्सी देखते हैं। बहुत कंफ्यूजन है टैक्सी को लेके, कोई बोल रहा है इधर जाओ, कोई बोल रहा है उधर जाओ, अभी ये बंदा बोल के गया कि फर्स्ट फ्लोर पे जाओ, पता नहीं। देखते हैं, आती भसड़ शुरू हो गई है, लेट्स गो। मुझे गाइस समझ नहीं आ रहा था, बहुत ही मैं थकी भी हुई हूँ, लाइक नींद भी नहीं हुई है, तो मैं आज तो टैक्सी ले रही हूँ, बट कल से हम सब कुछ ट्रेन पे एक्सप्लोर करेंगे, मेट्रो में एक्सप्लोर करेंगे। तो या मैंने कुछ 700 बात की टैक्सी की है, क्योंकि मैंने 3-4 जगह पूछा, कोई जगह 1200-1300 बात बोल रहे थे, बट यहाँ पे मुझे क्योंकि इलेक्ट्रिक टैक्सी है तो थोड़ा सा कम चार्जेस था इनका। सो या आई एम टेकिंग टैक्सी, अभी यहाँ से सीधा हॉस्टल चलते हैं। What? Let me help you. Now I don't have change. I pay the highway okay change for you. So yeah, let's go. Sim भी ले लिया है, अब चलते हैं हॉस्टल अपने। Compulsory here? Bit up to you. Okay. Don't worry, many vaccine. हाँ, yeah, I have. तो यहाँ से हमें कुछ Google Map में तो 1 घंटा दिखा रहा है, 1 घंटा लगेगा अभी, let's see, क्योंकि बीच में traffic भी बहुत है, and मैं पहले दिन आके एकदम ऐसे सारा कुछ वो नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैं मेट्रो से ट्रेन से नहीं गई हूँ, but yeah. Lampong the railway station. Huh. Kuala Lumpur, okay. Thailand the big Kuala Lumpur. Okay. Railway station. Okay. Yeah. Inside the highway. Yeah.
Okay. Thank you. पहला दिन था इसलिए मैंने एक छोटा सा वन सिंगल बेड स्टैंडर्ड रूम लिया है और या मुझे कुछ पड़ा ये 1300 थाई बात का. अब आप कैलकुलेट कर लो, मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर दूँगी कितने का हुआ इंडियन रुपीस में. This is bed, this TV, this shelf, और वॉशरूम में इन्होंने डोर बनाने का भी जहमत नहीं की. ओके देर इज ओके ओके फाइन. एंड देर इज बॉम्बिंग एरिया, शावर, वेरी बेसिक वेरी बेसिक वेरी बेसिक. देर इज रेफ्रिजरेटर ऑल्सो, सिंक. दिस इज मी, इट्स फाइन, इट्स गुड. शक्ल के बजे हुए 12 गाइस. ओके जी, तो रूम में आ गए हैं. ये आपको रूम का मैंने टूर भी दे दिया. अभी इस व्लॉग को यहाँ पर एंड करते हैं. मैं बैंकॉक पहुँच गई हूँ. अब जब मैं नहा धो के थोड़ा सा फ्रेश हो के रेडी हो जाऊँगी तब हम दूसरा व्लॉग शुरू करेंगे, क्योंकि उसमें हम एक्सप्लोर करेंगे बैंकॉक. और क्योंकि हम बजट में घूम रहे हैं तो या बजट स्टाइल से आप लोगों को दिखाएंगे. तो इस व्लॉग को यहाँ पर ख़त्म करते हैं. मैं थोड़ी सी थकी हुई भी हूँ जैसा कि चेहरा बता रहा है. थोड़ा सा फ्रेश होती हूँ और थोड़ी देर आराम करूँगी, उसके बाद फिर दिन की शुरुआत करेंगे और आपको भी लेके चलेंगे. अभी बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है, अभी तो मैं बिल्कुल नहीं निकलने वाली हूँ, बिल्कुल भी नहीं. या तो थोड़ा सा रेस्ट करते हैं. विल सी यू इन अनदर वीडियो. टिल देन, बाय बाय, नमस्ते.